नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। यूरोप कंटिनेंट चल रहा है, यूरोप की नदियां देखेंगे। इससे पहले की मैपिंग में आपको यूरोप के जो पर्वत तंत्र है उसके बारे में बताया था मैंने। ये है यूरोप का एक रफ डायग्राम, यूरोप की नदी टॉपिक है, जो यूरोप में बहने वाली नदी है। यूरोप में छोटी बड़ी हजारों नदियां बहती है, लेकिन मुख्य मुख्य नदियों को देखना है। देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि यूरोप की जो नदियां हैं वो आपस में एक तंत्र के द्वारा जुड़ी हुई है। वो तंत्र है नहर तंत्र, अर्थात जो यूरोप की नदियां हैं वह यूरोप की नदी बोलेंगे नहरों के माध्यम से जुड़ी हुई है। सभी नदियों को छोटी बड़ी जोड़ दिया गया है। अगर बात करेंगे कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर काला सागर से जुड़ा हुआ है नहरों के माध्यम से या नदियों के माध्यम से। पुनः कैस्पियन सागर से ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर तक अगर जहाज के माध्यम से शिपमेंट पहुंचाना है पहुंच जाती है वो नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से। तो बाल्टिक सागर कैस्पियन सागर जुड़ जा रहे हैं नदियों के माध्यम से। जो भी नदी ऐसे नहीं कर रही है, नदियों का तंत्र नहरों का तंत्र है फैला हुआ, ये सब आपस में वेल कनेक्टेड है। पुनः भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर जुड़ जाता है नदियों के माध्यम से। तो यूरोप की नदी आपस में नहरों के माध्यम से जुड़ी हुई है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, लेकिन अभी भी कोई नदी नहीं जुड़ी है। लेकिन भारत में अगर बात ना करें, यूरोप की बात करें, भारत से तुलना करना है यूरोप का, तो सारे ये आपस में वेल कनेक्टेड है नदी। तो नदी वहां पे परिवहन का काम करती है, परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नदी। इवन रोड और रेलवे से बेटर माना जाता है, बहुत सुविधा होती है, सस्ती भी है। कौन सा परिवहन बोलना है, नदी परिवहन। तो ट्रांसपोर्टेशन नदी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन होता है, मत्स्य पालन होता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। जो नदी है, नदी के किनारे बहुत सारे किले मिलेंगे, किले हैं, शहर है। इसके साथ में जो किले शहर राजधानी है और नदियां काफी साफ सुथरी है, एक स्टैंडर्ड है, उनका पालन किया जाता है, लोग भी दूषित नहीं करते हैं। रिजल्ट है वहां की नदियां जो है जीवनदायी है लोगों के लिए, पर्यटन के लिए, जल विद्युत उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, सभी तरीके से इकोनॉमिक्स को लाभ पहुंचाती है, अर्थव्यवस्था को। तो हमको देखना है सबसे पहले कौन कौन सी नदी है। उस नदियों को पहले एक नाम बना लेंगे, आप सूची बनाइए, उसे पहले याद करने का कोशिश करिए, फिर लोकेशन ट्रैक करिए कहाँ पे गिरती है, कहाँ से निकल रही है। तो छोटी बड़ी बहुत सी नदियां, लेकिन प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। ओनली प्रमुख नदी जिसके बारे में पूछता है, या तो राजधानी के किनारे पूछता है, मिलान करने देता है कभी। तो एक बार लिस्ट देखिए, एक बार लिस्ट देख लीजिए आप। बोलगा नदी, बोलगा सेकेंड नंबर पे बोलना है, राइन नदी थर्ड नंबर, डेन्यूब नदी। लंबी छोटी बड़ी नहीं, एक पहले नाम याद करा रहा हूं मैं आपको, ताकि आसान हो नाम याद करने में, उसके बाद ट्रैक कर लेंगे, फिर बाद में अरेंज कर लेंगे लंबाई के हिसाब से। डेन्यूब नदी, सीन नदी, रोन नदी, फिर लिखना आपको डॉन नदी, निप्पर, निस्टर, एल्ब नदी, बिस्चुएला नदी, निस्टर, निप्पर, डॉन, बिस्वेला, एल्ब हो गए, डेन्यूब हो गया और आपका निप्पर निस्टर हो गया। बाकी जो छूट जाएंगे उसको भी देख लेंगे हम। एक है डियोरा, जैसे छूट रहा है डियोरा। एक है पो नदी घाटी, पो नदी। तो डियोरा नदी है, पो नदी हो गए, टाइबर नदी,
साइबर नदी। पहली नदियों को याद करेंगे आप। अब इसको देखना, सबसे पहले बड़ी नदी कौन सी है, यहीं पे आप देख लीजिए, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है बोल्गा नदी। फर्स्ट नंबर पे अरेंज कर लेंगे आप, बोल्गा नदी है। सेकंड नंबर पे डेन्यूब नदी है। थर्ड नंबर पे जो यूरोप की नदी है, इसमें यूराल नदी है। यूराल के बारे में तो पहले ही बता दिया हूँ, उसको अरेंज कर लेंगे। पहला पे बोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है, डेन्यूब सेकेंड नंबर की लंबी नदी है, थर्ड नंबर पे यूराल करना है। इसके बाद आपको करना है निप्पर। निस्टर में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, दोनों यूक्रेन में बहने वाली नदी है। निप्पर नदी, निप्पर नदी जो है आपकी चौथे नंबर पे बड़ी नदी है। ये है, आपको सीक्वेंस में कर लेना है। सबसे पहले देखिए बोल्गा नदी। बोल्गा नदी जो यूरोप है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी सिस्टम है, सबसे बड़ा बेसिन और नदी तंत्र, अर्थात एक नदी रहती है, मुख्य नदी है, मुख्य नदी की अन सहायक नदी रहती है, छोटी बड़ी, तो एक तंत्र बनाते हैं, पूरा बेसिन कहलाता है, बेसिन जल प्रवाह तंत्र कि पूरा जो नदी सिस्टम है, मुख्य नदी की सहायक नदी जो भी है, उसमें टोटल जल कितना बह रहा है, कितना वॉल्यूम में आयतन में जल है, अर्थात कितना लीटर जल वाला तंत्र है। तो सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है यूरोप का, बोलना है आपको बोल्गा नदी, बोल्गा नदी। बोल्गा नदी निकलती कहाँ से है, बोलना है रूस से निकलती है। रूस में कहां से निकलती है, बालदाई की पहाड़ी। बालदाई हिल सेंट्रल रशिया में पड़ता है। अगर आप रशिया का मैप देखेंगे, यहां पे दिखेगा आपको बालदाई माउंटेन, बालदाई हिल यहां से निकलती है। इसके बाद ये गिरती है, आपको बोलना है कहाँ गिरती है बोल्गा नदी, यहीं पे सबसे बड़ा है कि कैस्पियन सागर में गिरती है कि काला सागर में गिरती है, कहाँ पे गिरती है। ठीक है, यहीं पे आपको बताना है कि जो बोल्गा नदी है कहाँ पे गिरती है, काला सागर में गिरती है कि कैस्पियन सागर में गिरती है। ऐसे करके आपको दिखेगा कैस्पियन सागर, यहाँ पे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा कैस्पियन सागर। ये बोल्गा नदी, एक बार फिर समझ लीजिए, बोल्गा नदी तंत्र है, ये पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, छोटी बड़ी काफी सारी इसमें नदियां मिलती है। रूस के बालदाई पहाड़ी से निकलती है, मास्को के ऊपर पड़ेगा ये बालदाई पहाड़ी, और कैस्पियन सागर में गिरती है, अर्थात नॉर्थ से साउथ की ओर बह रही है, क्या बोलना है, उत्तर से दक्षिण की ओर फ्लो हो रही है और गिरती है अंत में कैस्पियन सागर में, डेल्टा भी बनाती है, क्या बोलना है आपको, लास्ट में डेल्टा बनाती है। और जो भी इसके साथ जुड़ी हुई नदी है, सब आपस में तंत्र के द्वारा जुड़ गए हैं। बोल्गा नदी आगे यहाँ पे आपको मिलेगा बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर तक जुड़ी हुई है। तो बोल्गा नदी को ट्रांसपोर्टेशन के रूप में रूस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे बीच बीच में बैराज बनाए गए हैं, बैराज मतलब बांध होता है, तो बांध बनाए गए हैं, और इसके साथ लॉक सिस्टम है, जगह जगह बांध बनाए गए हैं, लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि पानी हमेशा रहे, जल की मात्रा बने रहे और जहाज आवागमन कर सके। तो कैस्पियन सागर हो, इधर जो काला सागर है इससे भी जुड़ी हुई है, और अंदर बाल्टिक सागर से जुड़ जाता है। इस दौरान यहाँ पे आपको दिखेगा लदोगा झील और ओनेगा झील, दो झील, लदोगा झील। बाल्टिक सागर से आप थोड़ा सा ईस्ट में देखेंगे, लदोगा झील रूस में पड़ता है और ओनेगा झील भी है, ओनेगा, क्या बोलना है, लदोगा झील, ओनेगा झील, ये भी जुड़ गए हैं बोल्गा नदी से, प्लस डॉन नदी, ऐसे करके आपको दिखेगा डॉन, ये डॉन नदी भी आपस में जुड़ गए हैं।
डॉन नदी को वोल्गा नदी से जोड़ा गया है। फिर रूस की राजधानी मास्को है, रूस की राजधानी मास्को किस नदी के किनारे है? मास्कोवा नदी के किनारे, इसको नोट कर लीजिएगा, रूस की राजधानी मास्को मास्कोवा नदी के किनारे है, मास्कोवा नदी। ये भी मास्कोवा नदी वोल्गा नदी से जुड़ी हुई है, तो मास्कोवा नदी जुड़ी हुई है, डॉन नदी जुड़ी है, फिर लदोगा झील ओनेगा झील जुड़ा हुआ है, बाल्टिक सागर कैस्पियन सागर काला सागर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। अब इसके किनारे कुछ सिटी का नाम कभी कभी पूछ लेता है, सिटी में आपको नाम याद करना है, कौन कौन से शहर है वोल्गा नदी के किनारे? कजान सिटी, वोल्गो, ग्राड। ये वोल्गा नदी के किनारे वोल्गोग्राड दक्षिण में मिलेगा आपको, कजान सिटी भी मिलेगा आपको, फिर मिलेगा निजनी, निजनी यहाँ पे सेंट्रल में मिलेंगे आपको, मास्को के दक्षिण में है। बहती कैसे वोल्गा नदी? तो ग्रासलैंड से बह रही है, कौन सा ग्रास है? स्टेपी के घास का मैदान। ये पूरा इलाका जो दक्षिण में कैस्पियन सागर से टच करता हुआ, ये पूरा बोलना स्टेपी ग्रासलैंड से बहती है, प्लस पर्वत क्षेत्र माउंटेन क्षेत्र से बह रही है और वनस्पति वाले क्षेत्र से बह रही है। हमेशा 12 महीना पानी रहते हैं इसमें, क्योंकि ग्लेशियर का जल मिल जाता है इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जल विद्युत के लिए प्रमुख है। बोला जाता है इसे रूस का कल्चर जो डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्थात ओवरऑल रूस का प्राण है ये नदी वोल्गा नदी, बोल्गा डॉन नदी तंत्र, कभी कभी एक साथ नाम लिया जाता है, बोल्गा और डॉन नदी तंत्र। लंबाई इसकी लिख लीजिए 3531 किलोमीटर है, सबसे लंबी है। तो हाईएस्ट यूरोप की नदी कितनी लंबी है? यूरोप की मैक्सिमम नदी जो लंबी है वह 3531 किलोमीटर की लंबी नदी है और बोल्गा नदी है, यह है बोल्गा। अब देख लेते हैं दूसरा नदी तंत्र, वो है डेन्यूब, यूरोप की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब, डेन्यूब नदी है, 10 देशों से गुजरती है नदी, 10 देश से पास हो रही है गुजरती है, और 10 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, अर्थात नदियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम कर रही है, डेन्यू नदी सीमा बना रही है, कहाँ पे बह रही है, तो ऐसे करके आपको दिखेगा, थोड़ा सर्पी विसर्पित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब कोई जंगल नहीं है, ये पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ये बोलना पर्वत है, और यहां से निकलती है जर्मनी से आगे बहती है डेन्यूब, टोटल लंबाई बहती है कहां तक? काला सागर तक, काला सागर में जाके गिरती है। जर्मनी से निकल रही है, काला सागर में गुजर रही है, इस दौरान जर्मनी का जो पड़ोसी है ऑस्ट्रिया, आगे सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोबा, यूक्रेन, सर्बिया हो गया, यूक्रेन हो गया, क्रोएशिया, तो ये सारी जगह से पास हो रही है, बाउंड्री बना रही है काफी सारे राष्ट्रों की, और अंत में टोटल लंबाई में सफर तय करती है 2850 किलोमीटर। तो दूसरी बड़ी नदी है 2850 किलोमीटर की, अर्थात 2850 किलोमीटर का ये इसका सफर है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है जर्मनी में
और गिर रही है काला सागर में, 10 देशों से गुजर रही है, अन्य भी जो देश होंगे इसमें देख लेंगे, लेकिन मेन मेन हंगरी, रोमानिया, फिर सर्बिया, ऑस्ट्रिया। इसमें से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के किनारे है, ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की, वियना। हंगरी का बुडापेस्ट, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे मिलेगी आपको। तो ऑस्ट्रिया का वियना और बुडापेस्ट जैसे, साथ में आपका सर्बिया, सर्बिया का बेलग्रेड भी मिलेगा, सर्बिया का इस लिख लीजिए बेलग्रेड, बेलग्रेड। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये तीन राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, डेन्यूब नदी किनारे है। डेन्यूब नदी के किनारे प्राचीन किले मिलते हैं, अर्थात किले प्रोटेक्शन करने के लिए, यूरोप के राष्ट्रों के बीच जब युद्ध होता था तो सैनिक से बचाव के लिए किले बनते थे। नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े किले हैं और ये बनाए गए हैं डेन्यूब के किनारे। साथ में जल विद्युत का उत्पादन होता है। आगे डेन्यूब नदी जुड़ जाती है राइन नदी से, डेन्यूब नदी और राइन नदी को आपस में जोड़ दिया गया है। तो डेन्यूब से अगर आप काला सागर जा रहे हैं तो वोल्गा नदी फिर से स्टार्ट हो जाता है। वोल्गा नदी तो गिरती है कैस्पियन सागर में, लेकिन ब्रांच के जरिए जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आप रशिया में मास्को तक जा सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट से, नदी के माध्यम से, काला सागर होके मास्को, आगे में बाल्टिक सागर तक, और फिर वापस घूमते आके ब्रिटेन, फ्रांस अर्थात राइन नदी से होके फिर वापस आ सकते हैं। जुड़े हुए हैं सारे ट्रांसपोर्टेशन। ये दूसरी बड़ी नदी है डेन्यूब। थर्ड नदी तंत्र देख लेते हैं हम, राइन नदी। थर्ड नंबर पे जो है राइन नदी, राइन रिवर, ये रिवर बहती कहाँ पे है? ये रिवर बहती है जर्मनी में, मुख्य रूप से जर्मनी बहती है। बोलना निकलती कहाँ से है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में झील है, स्विट्जरलैंड की झील से निकलती है। आल्पस मार अर्थात आल्पस पर्वत वाला क्षेत्र है, जो आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत में झीलें हैं, ये झील से निकल रही है, आगे जर्मनी में जा रही है, जर्मनी से फिर बोलना है आपको कहाँ चली जाती है? नीदरलैंड, नीदरलैंड से फिर सीधा बाईपास हो जाती है नॉर्थ सागर में, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर। एक बार फिर से मैप में देख लीजिए कहाँ पे ये स्विट्जरलैंड, छोटा सा कंट्री मिलेगा आपको, ये जर्मनी और इससे टच करता हुआ नीदरलैंड, ऐसे करके बह रही है राइन नदी। कहाँ पे जाके गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है, ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर की नदी है। अब सारे का एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, अप्रोक्सीमेटली लेके चलना है कि 1300 किलोमीटर की लंबी नदी है राइन नदी, निकलती है स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत के झीलों से निकलती है, ग्लेशियर से पानी मिल जा रहा है, 12 महीना इसमें जल रहता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बेस्ट नदी मानी जाती है पूरा यूरोप में। इसके किनारे सिटी मिलेंगे है कोलन, कभी कभी पूछता है कोलन बंदरगाह, फिर बॉन, ड्यूस वर्ग शहर, कोलन बंदरगाह है, वैसे तो सारे बंदरगाह ही है, यह बंदरगाह शहर है, एक नाम आता है कि बंदरगाह सिटी, बंदरगाह के साथ साथ वो सिटी भी हो, तो कोलन बंदरगाह, बॉन बंदरगाह, ड्यूसबर्ग बंदरगाह जैसे ये मिलेंगे राइन नदी के किनारे शहर। राइन नदी ट्रांसपोर्टेशन करती है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है? मुख्य रूप से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है,
जो राइन का पूरा बेल्ट है कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। सेकेंड नंबर पे बोलना है, दूसरे नंबर पे लो अयस्क, लो अयस्क। और जो पूरा राइन का बेल्ट है, यह पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, वो राइन नदी के किनारे है। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी वाला देश माना जाता है, सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी में, यूरोप की सबसे बड़ी जीडीपी है जर्मनी। तो जर्मनी में जो भी फैक्ट्री आउटपुट रहते हैं, प्लांट से बनने वाले मशीनरी, लो एयर, सारे चीज वो इसी नदी के जरिए, राइन नदी के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। राइन नदी की घाटी में क्या मिलता है? तो कोयला मिल रहा है, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दूसरा लो एस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और रेडीमेड बने हुए चीज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। आ रहे हैं कहाँ पे? तो बोल रहा है उत्तरी सागर के पास, जो नीदरलैंड बंदरगाह है वहां से, और आगे वापस, मतलब अगर अमेरिका जाना है, अमेरिका भेज सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या फिर वापस इधर भूमध्य सागर होके। देखिए तो राइन नदी के ईस्ट साइड तो नीदरलैंड है और जर्मनी है, उस साइड में बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर तक भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। फिर राइन नदी है, आगे डेन्यूब नदी था इसके नीचे में, तो डेन्यूब नदी को जोड़ दिया गया है, डेन्यूब प्लस राइन दोनों जुड़ गए आपस में। तो जर्मनी का जो फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट है वह डेन्यूब राइन से होकर बोलगा नदी तक जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं, अर्थात कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर के देशों तक। तो शहर का नाम आपको याद कर लेना है, कोलन, बॉन और ड्यूसबर्ग। राइन नदी इंपॉर्टेंट नदी है, कभी कभी पूछता है राइन की घाटी किससे प्रसिद्ध है, बोलना आप कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की दो नदी देख लीजिए आप, फ्रांस में दो नदी है, एक है सीन नदी, एक है रोन नदी। फ्रांस में दो नदी प्रमुख है, जो ऐसे मैप आप देख रहे हैं फ्रांस का, यही वाला जो मैप आपको दिखाई दे रहा है फ्रांस, तो एक है सीन नदी, उत्तरी नॉर्थ फ्रांस से बहती है, अर्थात नॉर्थ वाले पोर्शन में बहती है सीन नदी, ऐसे करके आपको सीन नदी दिखेगा। कहाँ गिर रही है सीन नदी? बोलना है सीन नदी गिरती है इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल क्या है? समुद्र का भाग है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करता है। यूके और फ्रांस कैसे अलग हो रहे हैं? इंग्लिश चैनल के जरिए। इंग्लिश चैनल में सुरंग है, सुरंग में रेलवे कनेक्टिविटी है, तो ब्रिटेन और फ्रांस आपस में रेल ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी जुड़ते हैं, इंग्लिश चैनल से होके जाती है अंडरग्राउंड रेलवे। तो नदी के बारे में देखना है कि सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। सीन नदी उत्तरी फ्रांस से बहती है, ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर की नदी है, 750 किलोमीटर के रेंज में है। इसके किनारे एक बंदरगाह है, इंग्लिश चैनल के पास आप देखेंगे फ्रांस का एक बंदरगाह है, ली हाबरे, बंदरगाह ली हाबरे बंदरगाह किसका है? फ्रांस का है, इसके माउथ के पास है, मुंह के पास है। किसके मुंह के पास है? सीन नदी के मुंह के पास है। नीचे में ये साउथ पोर्शन है, अर्थात फ्रांस का दक्षिणी भाग, रोन नदी, ऐसे करके देखेंगे आप, रोन नदी, रोन नदी, ये निकलती है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से निकलती है, आगे फ्रांस में जाती है और गिरती है भूमध्य सागर में। ये पूरा भूमध्य सागर है। रोन नदी दक्षिण फ्रांस में बहती है, सीन नदी उत्तरी फ्रांस से बहती है, जो सीन नदी है गिरती है इंग्लिश चैनल में, जो रोन नदी है गिरती है भूमध्य सागर में, और रोन की घाटी में तीव्र गति से आंधी तूफाने चलती है। रोन नदी की घाटी में तीव्र
ठंडी ठंडी हवाएं ठंड काल में चलती है, बहुत तीव्र पवन चलती है रोन की घाटी में, और रोन की घाटी अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर उत्पादन के लिए। प्लस जैतून होते हैं, तो शराब का कुल मिला के अंगूर हो या जैतून हो, इससे प्रोडक्शन हो जाता है। फ्रांस अपने शैंपेन के लिए, शैंपेन एक शब्द है, शराब है, शैंपेन विशेष प्रकार का, तो शैंपेन उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसे रोन की घाटी में होती है, क्योंकि अंगूर और जैतून का उत्पादन हो रहा है। तो ये है आपके फ्रांस की नदियां। इटली की नदी, इटली में भी दो नदी मिलेगी आपको, ये इटली का मैप आपको ऐसे करके दिखाई देगा पतला सा। तो इटली एक नदी मिलेगी आपको, पो नदी। पो नदी इटली की गंगा कहलाती है, जो इटली की प्राण है, जान है, गंगा। इटली का कभी कभी पूछता है गंगा, इटली का गंगा किसे बोला जाता है? पो नदी को बोला जाता है। इटली का जो भी इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर वाला फील्ड हो, पो नदी के तंत्र में ही होते हैं, अर्थात उत्तरी इटली में। उत्तरी इटली में जो एग्रीकल्चर वाला फील्ड है, वो पो नदी का तंत्र है। पो नदी एक समतल मैदान बना रही है और एड्रियाटिक सागर में गिर रही है, तो क्या बोलना है? उत्तरी इटली में बहती है, और पो नदी की घाटी औद्योगिकरण बहुत अधिक है। इटली में जो भी फैक्ट्री है, स्टील की फैक्ट्री हो, गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री हो, एक से एक लग्जरी कार बनाने वाली इटली की कंपनी है, वो सारे इटली के पो नदी घाटी में ही केंद्रित है। प्लस इटली का गंगा कहलाता है, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कुछ सिटी का नाम आपको याद करना है पो नदी के किनारे, कौन कौन से सिटी है? मिलान, ट्यूरिन। मिलान ट्यूरिन जैसे सिटी है। एक है रोम, रोम टाइबर नदी के किनारे है, इटली की राजधानी जो रोम है, ये अलग नदी है टाइबर। तो इटली की राजधानी रोम है, वह टाइबर नदी के किनारे है। तो एक बार जो सेंट्रल यूरोप है, सेंट्रल यूरोप, इसकी नदी देख लेते हैं। देखिए, कार्पेंथियन पर्वत मिलेगा सेंट्रल यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में कार्पेंथियन पर्वत मिलेगा आपको, एक चाप के आकार का पर्वत है ऐसे करके, तो कार्पेंथियन पर्वत। कार्पेंथियन पर्वत से एक नदी निकालना है आपको, विस्चुएला नदी, विस्चुएला नदी, और एक नदी को निकालना है आपको कार्पेंथियन पर्वत से, जो निस्टर नदी है। निस्टर नदी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, विस्चुएला नदी कार्पेंथियन पर्वत से निकल रही है और आगे पोलैंड होते हुए कहां पे जाती है? पोलैंड होके बोलना है कि बाल्टिक सागर में गिरती है, बाल्टिक सागर में। तो पोलैंड से बह रही है विस्चुएला नदी, और पोलैंड से बहते हुए कहां पे जा रही है? बाल्टिक सागर में जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है पोलैंड की, 147 किलोमीटर की लंबाई है, ऑलमोस्ट पोलैंड में बहने वाली नदी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा, पोलैंड की राजधानी है वार्सा। देखिएगा, पोलैंड एक देश है, इसकी राजधानी वार्सा है, बाल्टिक सागर को टच करता है, तो विस्चुएला नदी के किनारे ही पोलैंड की राजधानी वार्सा है। विस्चुएला नदी के किनारे पोलैंड की राजधानी वार्सा है। अब दक्षिण में कार्पेंथियन पर्वत से एक पर्वत निकल रही है नदी का नाम, उस नदी का नाम है निस्टर नदी। ये कहाँ पे गिरती है? काला सागर में गिरती है। किस देश से बहती है? बोलना है आपको यूक्रेन, मालदोबा। मालदोबा की राजधानी चिस्तीनाउ है, तो देखेंगे आप निस्टर नदी के किनारे मिलेगा आपको चिस्तीनाउ।
1350 किलोमीटर की नदी है, 1350 किलोमीटर के रेंज में है, अर्थात विश्वेला नदी से बड़ी है निस्टर नदी, दोनों निकल रही है कार्पेंटियर पर्वत से। इसी तरीके से एक और नदी निकल रही है सेंट्रल यूरोप में, वो जर्मनी, जर्मनी से आगे बहती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है, एल्ब नदी। बस आपको याद रखना है एल्ब नदी है, जर्मनी से बहती है, जर्मनी में मिल जाएगी आपको, और बाल्टिक सागर में गिर रही है। ड्यूरा नदी घाटी, ये जो मैप आपको ऐसे करके दिखाई देगा, उद्गाल, और ये स्पेन। तो पुर्तगाल स्पेन में बहने वाली एक नदी है, तो एक नदी ऐसे करके आपको मिलेगी स्पेन पुर्तगाल के बीच में, उसका नाम है डोरा, डोरो, इसको ऐसे लिखेंगे ड्यूरा। तो ड्यूरे नदी बोलना है स्पेन पुर्तगाल के बीच से एक सीमा बनाती हुई आगे अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में गिर रही है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर बह रही है, छोटी नदी है, लेकिन ड्यूरा नदी की घाटी विशेष रूप से फेमस है। अगर बोलता है ड्यूरा की घाटी या ड्यूरा नदी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो टॉप नंबर का शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, शराब उत्पादन होता है, क्योंकि इसकी नदी घाटी में अंगूर होते हैं। ड्यूरा नदी की घाटी में अंगूर का एग्रीकल्चर होता है। तो भूमध्य सागर के जो देश हैं खट्टे फल का उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, भूमध्य सागर जलवायु और देश। एक तो भूमध्य सागर से टच करने वाले देश हैं, इनकी जलवायु ही किस तरीके की, भूमध्य सागर जलवायु, खट्टे फलों का उत्पादन होता है, खट्टे फल, खट्टे फल में अंगूर आता है, जैतून, संतरे, ये सब आपको इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, क्रोएशिया और ग्रीस में मिलेंगे। रिजल्ट है कि सारा का सारा क्षेत्र अंगूर उत्पादन के लिए, जैतून उत्पादन के लिए, संतरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रिजल्ट है कि शराब बनते हैं। तो ड्यूरा की घाटी में भी पूरा का पूरा शराब का प्रोडक्शन होता है। लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी, लिस्बन टागस नदी के किनारे है, कागज नदी के किनारे मिलेगा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाली सुने थे सबसे पहले भारत में आए थे, वास्को डी गामा, राजधानी है लिस्बन, कागज नदी के किनारे मिलेगा। दो नदी जिसमें कंफ्यूजन होता है, यूक्रेन में बहने वाली है, जो यूक्रेन है, इसे देख लीजिए आप, यूक्रेन में बहने वाली दोनों नदी है, एक नदी है निप्पर, दूसरा नदी है निस्टर। निप्पर और निस्टर, निस्टर तो अभी आप पढ़ लिए, ये दोनों कहाँ बह रही है, बोलना है यूक्रेन में बहती है, लेकिन निप्पर काफी बड़ी नदी है, चौथी बड़ी नदी में निप्पर का नाम आता है। निकलती कहाँ से है, तो रूस के वाल्दाई पहाड़ी से निकलती है, वाल्दाई पहाड़ी, जहां से बोल्गा नदी निकल रही थी वैसे ही निप्पर नदी निकल रही है। निस्टर नदी और निप्पर नदी दोनों ही यूक्रेन में बहती है, बट निप्पर नदी बेलारूस, इसको ऐसे करना है आपको, निप्पर नदी बेलारूस, बेलारूस के बाद यूक्रेन, यूक्रेन से बहती हुई काला सागर में गिर जाती है। और बोलना है चौथे नंबर की बड़ी नदी है यूरोप की, निकलती है बाल्दाई पहाड़ी रूस से, निप्पर नदी बेलारूस होके जा रही है यूक्रेन होके अंत में काला सागर में गिर जा रही है। निस्टर तो आप देख चुके हैं, जो चिस्तीनाउ है, चिस्तीनाउ राजधानी है मालदोवा की, निस्टर नदी के किनारे है। तो दो नदी निप्पर और निस्टर नदी, ये हो गए ओवरऑल आपके यूक्रेन के नदी। स्कैंडिनेवियाई देश जो है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, स्कैंडिनेवियाई देश,
ये स्कैंडिनेविया, ये कौन कौन से देश है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, काफी छोटी बड़ी नदियां निकलती है यहाँ पे, और तीव्र ढाल वाली होती है, तो सीधा कहाँ जा रही है? बाल्टिक सागर में गिर जा रही है, या नॉर्वेजियन सागर में गिर रही है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, इसे नदी निकल रही है, काफी तीव्र गति से नदी निकलती है, और ये पूरा मुहाने में गिर जा रही है। फिनलैंड में देखेंगे आपको लाखों की संख्या में झील दिखाई देगा। फिनलैंड में, फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है। फिनलैंड को अगर आप देखेंगे, लाखों की संख्या में झीलें दिखाई देगी, ग्लेशियर से बनी हुई झीलें हैं, तो फिनलैंड क्या कहलाता है? आपका झीलों का देश। तो नदी की जगह झील मिलेंगे, झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड, हेलसिंकी की राजधानी है। हजारों झीलें आपस में सब वेल कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जो नॉर्डिक कंट्री है उसका एक भाग स्कैंडिनेवियाई कहलाता है कंट्री। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनका अगर एचडीआई देखेंगे, पर कैपिटा इनकम एजुकेशन वर्ल्ड में सबसे अधिक होता है, हर चीज में विकसित है ये। बस यही है नदी के बारे में। बने रहिए तब तक के लिए टूडू आइस में।